हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र कुमार। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे आपका एडमिशन डायरेक्ट हो सकता है, या यूं कह लें कि लो रैंक पे भी हो सकता है। अगर आपका जेई मेन में रैंक कम है और अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज से कम पैसे में बीटेक करें और अच्छा प्लेसमेंट लें, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस कॉलेज के बारे में आपको बताते हैं। इस कॉलेज का नाम है पीसीटी लुधियाना। Hello, my name is Tanelo William Katang. I'm from Lesotho in Africa, currently studying at PCTE. I'm doing my Bachelor of Technology in Mechanical Engineering, second semester. For me, studying in PCTE has been quite an exposure and quite a learning experience. For one, the industrial trips we have taken to many industries so far have really quite inspired me to be innovative and to maybe take some of the technologies we have seen back into my country. Number two, the guest lectures we receive. We receive guest lectures from quite experienced people, and that really motivates the students. And personally, it has motivated me a lot to innovate some new technologies, to realize the need of innovation wherever I see one. Number three, the inter-college competitions. The presentations, they have really helped us and helped me to build up my self-esteem, my self-confidence, and everything. And on top of this, in these competitions, not only do I learn to speak to the people, not only do I learn to express my talents in form of dancing, in form of poetry, but I also got some prizes, which is extremely good for me. So PCT has been quite great exposure and learning experience. पीसीटी लुधियाना एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ये पीटीयू के अंदर आता है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाब गवर्नमेंट का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और उसी के अंडर में आता है पीसीटी लुधियाना। ये पीसीटी लुधियाना का कैंपस है। यहाँ पे भी मैं दो तीन बार जा चुका हूँ। काफी सुंदर कैंपस है, काफी अच्छा कैंपस है। और चलिए आपको बताते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है, www.pct.edu.in। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीसीटी जो कॉलेज है, ये 20 साल पुराना कॉलेज है। ये 20 साल पुराना कॉलेज है और पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इज ए ग्रुप ऑफ फोर कॉलेजेस इन टू कैंपसेस इन लुधियाना, पंजाब, इंडिया। इसके दो कैंपसेस हैं, एक ओल्ड कैंपस है, एक न्यू कैंपस है। दोनों कैंपसेस में अलग अलग कोर्सेस चलते हैं। इस यूनिवर्सिटी में एमबीए, लॉ, बी फार्मा, बीटेक, बीसीए, एग्रीकल्चर सब कुछ है। और सबसे खास बात क्या है, आपको ये जो लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, आपको अलग अलग कंट्री का झंडा दिख रहा होगा। तो ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस कंट्री के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे खास बात इस कॉलेज का ये है कि इस कॉलेज में 42 कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं। हैज स्टूडेंट फ्रॉम 42 कंट्रीज ऑन द कैंपस इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, सीरिया, येमेन, मालदीव, बांग्लादेश, इटीसी। अफिलियेटेड टू पीटीयू स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये कॉलेज अफिलियेटेड है पीटीयू स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू। ऑल कोर्सेज, इसके जितने भी कोर्सेस हैं, यूजीसी से अप्रूव्ड हैं। और इसका प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट एवरेज है और लगभग सभी ब्रांच के बच्चों का यहाँ प्लेसमेंट होता है। कॉलेज की खास बात यह है कि यहाँ पर थ्योरेटिकल चीजों से ज्यादा प्रैक्टिकल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब मैं कॉलेज में गया था तो वहां जाने के बाद मुझे दिखा था कि उस कॉलेज में बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि वो प्लेसमेंट में या कंपनीज में अच्छे से परफॉर्म कर पाए।
फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन करवाया जाता है, मतलब उनको कोई टॉपिक दिया जाता है, उनको बोल देते हैं आप इस पे पीपीटी बनाओ और उस पे जाके फिर वो सबके सामने उस टॉपिक पे बोलते हैं। तो ये इनका मतलब हर एक सेमेस्टर में रहता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रैब एनी जॉब। ठीक है, दूसरी बात यहाँ की क्या थी, आप कोई सा भी ब्रांच उठा लो, कोई सा भी डिपार्टमेंट उठा लो, अगर होटल मैनेजमेंट की बात करें तो होटल मैनेजमेंट के बच्चे वहां पे अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उस कॉलेज में किसी को भी अगर किसी का बर्थडे है तो कहीं बाहर से केक लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉलेज में ही बेकरी शॉप है वहां से वो केक ऑर्डर करते हैं। तो प्रैक्टिकल चीजों पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बात अगर इंजीनियरिंग की करें तो इंजीनियरिंग में भी जब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसका इंजीनियरिंग पिछले साल ही शुरू हुआ था, लेकिन पिछले साल ही हर एक लैब में सारे इक्विपमेंट थे, सारे नए नए डिवाइसेस हर एक लैब में थे। मैंने पर्सनली जाके सभी लैब को देखा था और बच्चों को भी देखा था कि वो कैसे वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, मैकेनिकल की वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है उस कॉलेज में। Myself Radhika and I am studying here the engineering course and the branch which I am there for is computer science engineering as whole. Before coming to this college, I referred to many colleges with engineering and science background. But what I found unique and different was that the professional skills they are working upon, like the communication skills, the formal skills and the all those professional skills which provide as a building block any profession when which we go for. There are many presentation rounds in our college campus that are quite good for us communication skills and they also help us to deal with the stage fear and how to deal with the audience and how to interact with people when we come up with something that is our and we are going to represent that on our part. When I come to teachers, the teachers are quite friendly, quite professional and they also tell us what are the right and wrong things when we go in profession and deal with the things. Also, if I talk about the infrastructure is really new because this is a new building and this is the first year. And then if I go for labs are also very good and neat. And we here get the professional training rather than the theoretical knowledges. And that is quite good. तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, इस कॉलेज में एग्रीकल्चर भी है, तो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर सिखाने के लिए वहां पे अलग से एक लैंड लिया गया है, एक अलग से खेत लिया गया है जिसमें बच्चे जाकर अलग अलग फसल उगाकर देख सकें कि खेती करते कैसे हैं। क्योंकि देखो, इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग तो प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको थ्योरी ही पढ़ना है तो आप बीएससी कर लीजिए। इंजीनियरिंग का मतलब होता है प्रैक्टिकली चीजों को सीखना, प्रैक्टिकली करना, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको जानकर ये काफी आश्चर्य होगा कि काफी कम ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान में दिया जाता है, प्रैक्टिकल चीजों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इवन इन एनआईटीज और आईआईटीज, बहुत सारे एनआईटीज और आईआईटीज हैं जहां पे सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकल का कोई भी सब्जेक्ट वहां पे नहीं होता है। थर्ड ईयर में जाके एक पीपीटी प्रेजेंटेशन का एक सब्जेक्ट रहता है सिर्फ थर्ड ईयर में, बट इस कॉलेज में एवरी ईयर में फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही बच्चों को बोला जाता है कि आप पीपीटी बनाओ और प्रेजेंट करो। और काफी अच्छे, मैं वहां पे गया था, मैं उसी दिन गया था जिस दिन बच्चों को पीपीटी प्रेजेंट करना था। मैं देखा था सभी बच्चे एकदम पूरा ब्लेजर में कोट और टाई लगाकर जा रहे थे पीपीटी देने। तो एक क्या होता है इससे, एक वो प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं। ठीक है, इस कॉलेज में एमबीए भी है और आई थिंक ये एमबीए होने से ये फायदा मिल रहा है कि इन चीजों का ध्यान इसमें ज्यादा दिया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कॉलेज के बारे में और ज्यादा जानते हैं। शायद आप लोग ये जानकर काफी अच्छा लग रहा होगा, कॉलेज जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया ये जानकर काफी अच्छा लग रहा होगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जिस कॉलेज के बारे में बताया जा रहा है वो कॉलेज ऐसा कॉलेज है जहां पे आप एडमिशन लेकर अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अभी मैं आपको वहां पढ़ रहे कुछ बच्चों के वीडियोस भी दिखाऊंगा कि वहां पढ़ रहे बच्चे उस कॉलेज के बारे में क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है उनको कॉलेज। इवन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कॉलेज में 42 कंट्रीज के बच्चे हैं, तो एक फॉरेन स्टूडेंट का भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फॉरेन स्टूडेंट इंडिया में आकर कैसा फील कर रहा है इन पीसीटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आप ये देख सकते हैं इसके रैंकिंग की बात करें तो रैंक सिक्स्थ
बेस्ड इन पंजाब, इसका सिक्स रैंक है पंजाब में, 61st बेस्ट स्कूल फॉर बीबीए प्रोग्राम इन कंट्री बाय इंडियन लीडिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम सर्वे 2018। बीबीए और एमबीए के लिए अगर बात करें तो बीबीए के लिए इसको 61st रैंक मिला हुआ है पीसीटी वन एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड 2019 अंडर द दिवांग मेहता एजुकेशन अवार्ड। तो ये कुछ इसके अचीवमेंट्स हैं कॉलेज के जो मैं आपको बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पीसीटी की बात करें तो पीसीटी कॉलेजेस अंडर पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे होटल मैनेजमेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया है, पंजाब कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वर्दोवाल, ठीक है, पंजाब कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, पीसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ फार्मेटिकल साइंस, पंजाब कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन झांडे। तो ये इसका दो कैंपस है, दोनों कैंपसेस में बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे चलाए जाते हैं और यहाँ का बी फार्मा तो काफी ज्यादा डिमांडेड है। बी फार्मा में तो बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिलता है, वो उनको अप्लाई करना पड़ता है, फिर एक लिस्ट निकलती है, उसके बाद उनको एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो पीसीटीई में चलते हैं, एमबीए, ठीक है, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस एमसीए, इसका एमसीए और बीबी और बीसीए, ये कोर्सेज लगभग 20 साल पुराने कोर्सेज हैं और काफी अच्छा प्लेसमेंट है, ठीक है। तो बीटेक लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, बट इफ यू कंसीडर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस क्या है, कंप्यूटर साइंस को आप बोल सकते हो कि इट इज बेसिकली सेट ऑफ, इट इज यू कैन से इफ कंप्यूटर साइंस इज अ सेट देन बीसीए और एमसीए आर द सबसेट ऑफ दैट सेट। मतलब आप कह लो कि कंप्यूटर साइंस एक लॉन्ग वर्जन है, एक बड़ा वर्जन है, उसी का छोटा वर्जन होता है एमसीए और बीसीए। तो अगर किसी बच्चे का एमसीए और बीसीए में प्लेसमेंट हो रहा है तो इसके बीटेक वाले बच्चे का भी प्लेसमेंट होगा, क्योंकि जो कंपनी उस कॉलेज में एमसीए और बीसीए के बच्चों को हायर करने आ रही है, एमसीए और बीसीए के बच्चों को जॉब देने आ रही है, वो कंपनी जरूर चेक करेगी कि यहाँ के बीटेक के बच्चे कैसे हैं। अगर उनको लगता है कि बीटेक के बच्चों का लेवल अच्छा है तो वो बीटेक के बच्चों को भी प्लेसमेंट देंगे, और बिलीव मी एमसीए और बीसीए से ज्यादा डिमांड होता है बीटेक का। तो यहाँ पे बीटेक के बच्चे ज्यादा डोमिनेंट करेंगे बीसीए और एमसीए के बच्चों पर, बीटे के बच्चों का प्लेसमेंट इनसे भी अच्छा होगा। अभी मैं एमसीए और बीसीए का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो प्लेसमेंट के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बीकॉम भी है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी मेडिकल लैब है, बीएससी बायोटेक है, बी फार्मेसी है, एम फार्मा है, बीएचएमसीटी होटल मैनेजमेंट, बीटीटीएम टूरिज्म एंड ट्रेवल है, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का भी मैंने स्टूडियो देखा था जाकर कॉलेज में, और काफी अच्छा लगा था, और बच्चे वहां पे भी सीख रहे थे कि कैसे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, एक एंकर कैसे बोलता है, तो सारी चीजों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहां पे बच्चों को दी जा रही थी। बैचलर इन फैशन डिजाइन, फैशन डिजाइन में तो कमाल का प्रैक्टिकलिटी मुझे देखने को मिला था। फैशन डिजाइन में बच्चे सब कुछ सीख रहे थे, मतलब एक सिलाई मशीन चलाने से लेकर एवरीथिंग, सब चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज वहां बच्चों को दी जा रही थी, प्रैक्टिकल्स लैब थे वहां पे। और बीटेक, बीटेक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ओवरव्यू दे दिया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर बात करें हॉस्टल की तो हॉस्टल यहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों टाइप के हॉस्टल हैं, ठीक है, और सिंगल का, ठीक है, रूम एसी और नॉन एसी दोनों टाइप के हॉस्टल यहाँ पे हैं, और रूम शिफ्टिंग चार्जेस, ये रूम शिफ्टिंग चार्ज है, अगर आपको रूम शिफ्ट कराना है तो फर्स्ट टाइम अगर आप चेंज कराते हो तो फ्री है, सेकेंड टाइम चेंज कराना है तो 500 रुपए है, थर्ड टाइम में 1000 रुपए, ठीक है। सिंगल का आप देख सकते हैं 6900 है, डबल का 5800 है, और ट्रिपल का 5000 है। तो ये चार्ज है, ऑब्वियसली 6000 रुपए अगर है तो ये पर मंथ ही होगा, ये पर मंथ चार्ज है, ठीक है। तो पर मंथ वहां ट्रिपल का 5000 चार्ज है एसी रूम का, ठीक है, उसी में आपको एसी सब कुछ मिलता है, आपको काफी अच्छा हॉस्टल है, मैं हॉस्टल में जाके रुका हूं, ठीक है। तो इतने कम पैसे में इतनी अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी देना काफी बड़ी बात है, ठीक है। 5000 रुपए में आपको रूम में एसी फ्रिज मिल रहा है, या 7000 में ही मिल रहा है, तो दैट इज अ बिग थिंग।
और ये कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगता है, 1,000 आपको सिक्योरिटी लगता है वन टाइम ओनली, ठीक है, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा इंटरनेशनल, ठीक है, तो ये 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगता है वन टाइम ओनली डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। बॉयज हॉस्टल कंसिस्ट ऑफ एयर कंडीशन 13 डबल एंड 25 ट्रिपल रूम विथ मॉडर्न फर्नीचर, ऑल रूम आर एयर कंडीशन, सारे रूम एयर कंडीशनर है, सारे रूम में एसी लगा हुआ है। आप ये रूम देख सकते हैं, आपके सामने है, टेबल है, एसी यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज आपको बताई जा रही है उसका प्रूफ भी दिया जा रहा है, एसी है इसमें, फ्रीज भी होगा आपको, ठीक है, और ये बेड है, ठीक है। तो ये हॉस्टल की जो फैसिलिटी थी, ऐसा लग रहा था कि शायद हॉस्टल को वहां के होटल मैनेजमेंट वालों ने सजाया है, ठीक है। तो हॉस्टल वाज वेरी नाइस। और गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल में भी 14 सिंगल और 14 डबल और 14 ट्रिपल रूम्स वहां पे थे, सारी फैसिलिटीज के साथ। क्लब्स की बात करें तो क्लब से यहाँ पे सीएसआर क्लब है, वर्क टुवर्ड्स हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी पीपल, सीएसआर क्लब है यहाँ पे, वो जो वहां पे पुअर और नीडी पीपल होते हैं उनको हेल्प करने के लिए बनाया गया है। डांस क्लब है, ड्रामेटिक क्लब है, डिबेट क्लब है, इवेंट क्लब है, ठीक है, फैशन क्लब है, म्यूजिक क्लब है, पीसीटी एक्टिविटीज क्लब है, फोटोग्राफ क्लब है, फिजिकल फिटनेस क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, थिएटर क्लब है, ट्रेवल क्लब है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हर टाइप के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जितने भी क्लब आपको दिख रहे हैं सारे क्लब अगर मिला दिए जाए तो जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होते हैं वो सभी को कवर कर लेते हैं। डांस भी है, ड्रामा है, डिबेट है, डिबेट क्लब से क्या फायदा होगा, कोई भी बच्चा अगर डिबेट में जीडी में अच्छा है तो कोई भी कंपनी जब प्लेसमेंट के लिए आती है तो वो जीडी करवाती है और बोलने की एक स्किल डेवलप होती है, इसके लिए डिबेट क्लब है, फैशन क्लब है, म्यूजिक क्लब है, और पीसीटी एक्टिविटीज क्लब है, फोटोग्राफी क्लब भी है, फिजिकल फिटनेस क्लब है। और ये सभी क्लब की ब्यूटी तब बढ़ जाती है क्योंकि मान लीजिए कहीं फोटोग्राफी क्लब है और फोटोग्राफी क्लब में कुछ बच्चे वहां पे जर्नलिज्म के भी होंगे जिनको फोटोग्राफी प्रॉपरली सिखाया जाता है, और कुछ बच्चे बीटेक के भी होंगे तो बीटेक के बच्चों को जर्नलिज्म के बच्चों के साथ मिलके काम करने का मौका मिल रहा है, बीटेक के बच्चों को फैशन डिजाइन के बच्चों के साथ मिलके काम करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे आप समझ रहे ना कि एक आपको 3D इन्वायरमेंट मिलेगा, एक मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट मिलेगा जहां पे एक साथ आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। तो ये इस कॉलेज का एडवांटेज है कि एक ही बिल्डिंग में वहां पे आप देखोगे फैशन क्लब है, टूरिज्म क्लब भी है, टूरिज्म भी है, फैशन भी है, वहां कोर्सेज चलते हैं, होटल मैनेजमेंट है, तो आपको मल्टीपल चीजें मल्टीपल टाइप के बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा और उनके साथ मिलके आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करें दैट इज मेन थिंग, यहाँ पे टोटल 130 कंपनीज विजिट करती है एवरी ईयर, 10 लाख इसका पैकेज है और हाईएस्ट पैकेज है ये 10 लाख, ठीक है, पर एनम, और 6 लाख इसका एवरेज पैकेज है और लोएस्ट पैकेज है 2.4 लाख, ठीक है। तो ये पैकेज आप देखोगे तो अगर बात आप आईआईटी की नहीं करो, आईआईटी को छोड़ दो, टॉप के एनआईटी को छोड़ दो, तो सभी कॉलेज का प्लेसमेंट लगभग इसी टाइप का होता है। एवरेज पैकेज 6 लाख, बहुत अच्छा पैकेज होता है, बिलीव मी 6 लाख कम नहीं है, 6 लाख रुपए एवरेज पैकेज बहुत सारे एनआईटी का नहीं है। आज IIIT जो नए IIIT है उनका प्लेसमेंट तो और डाउन है, इवन एनआईटी हमीरपुर का भी एवरेज पैकेज निकालोगे जहां से मैं पढ़ा हूं वहां का भी एवरेज पैकेज 6 लाख से कम ही होगा, वहां पे भी बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट 3.2 लाख पे होता है। तो ऐसे मतलब ऐसे उस दुनिया में नहीं जीना है कि आपका करोड़ों का पैकेज जहां से होगा आप वहीं पर होगे, करोड़ों का पैकेज आप किसी भी कॉलेज से ले सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर टैलेंट, वो आपके कोडिंग स्किल आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है, वो कॉलेज से कहीं भी रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि जितना भी करोड़ों का पैकेज लगता है वो ऑफ कैंपस लगता है। ऑफ कैंपस कहने का मतलब कॉलेज का रोल लगभग जीरो हो जाता है, बच्चा अपने खुद के टैलेंट के दम पे अप्लाई करता है और प्लेसमेंट लेता है। तो दिस एवरेज पैकेज इज रियली गुड। और देखिए ये आगे बढ़ते हैं, ये कंपनीज है जो वहां पे विजिट करती है, एयरटेल है, एक्सिस बैंक है, अमेजोन, अमेजोन भी विजिट करती है, कैन यू बिलीव इट, अमेजोन आती है इस कॉलेज में, और अमेजोन का पैकेज तो आपको पता ही होगा, अगर एमबीए के बच्चों को भी ले जाती है, मिनिमम पैकेज भी देती है 7-8 लाख देती है, और अच्छा देती है तो 27 लाख देती है, 40 लाख भी देती है, बच्चे के टैलेंट पर डिपेंड करता है। तो कॉलेज कंपनी में आई है, अब पैसा लूटना मतलब आई मीन
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा पैकेज का प्लेसमेंट ले सकते हो, वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज का काम क्या है? कॉलेज का काम है कंपनीज बुलाना, और ये कॉलेज कंपनीज बुलाती है, ठीक है, 130 कंपनीज बुलाती है, एचडीएफसी बैंक बुलाती है, केंट आरो बुलाती है, ये बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ पे हम आपको सारी कंपनीज नहीं दिखा सकता, आप इसकी वेबसाइट पर जाके और भी कंपनीज के बारे में देख सकते हैं। ये प्लेसमेंट है 2019 का बेस्ट प्लेसमेंट 21 लाख का गया है, जो मैंने आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट दिखाया था 10 लाख रुपए। दिस इज द हाईएस्ट पैकेज इन इंडिया। अगर अब्रॉड की बात करें तो ये प्लेसमेंट अब्रॉड में हुआ है, आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट में इस लड़के का प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, ये 21 लाख का प्लेसमेंट हुआ है इस कॉलेज से, ठीक है। पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हैज साइंड एमओयू विद फॉलोइंग यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स। इसका फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज करने का मतलब कि बच्चे, यहाँ के बच्चे फॉरेन जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी इसकी वेबसाइट पे चलूंगा तो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, स्टूडेंट एक्सचेंज के बारे में और ज्यादा मैं आपको बताऊंगा। तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज के साथ, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ इस कॉलेज का कोलैबोरेशन है। होगा भी क्यों नहीं, कॉलेज 20 सालों से चल रहा है, और 20 सालों में कोई भी कॉलेज अगर ढंग से काम करता है तो इतना सारा उसका कोलैबोरेशन हो ही जाएगा। तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं, पोलैंड के कॉलेज से है, वियतनाम के कॉलेज से टाई अप है इसका, रोमानिया के कॉलेज से, फ्रांस के कॉलेज से है, बहुत सारे कॉलेज के साथ इसका टाई अप है, ठीक है। पीसीटी नंबर्स की बात करें तो पीसीटी में 2500 स्टूडेंट, ये पिछले साल का डेटा है, 2500 स्टूडेंट, ठीक है, और 200 प्लस कंपनीज विजिटेड दिस ईयर, एक साल का ही 2500 स्टूडेंट, ऑब्वियसली अभी तक का नहीं होगा, 20 साल का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2500 नहीं होगा, दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईयर, ठीक है। 240 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहने से आपको ये भी फायदा मिलता है कि आप दूसरे देशों के बारे में जानते हो, दूसरे देशों के कल्चर के बारे में जानते हो, दूसरे देशों के बच्चों से इंटरेक्ट करना सीखते हो, ठीक है। कैसे, आप कहीं घूमने जाते हो, कोई फॉरेनर मिलता है, चल सेल्फी लेते हैं, तो वो आपको, मतलब जस्ट कोई फॉरेनर आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप दूसरे कंट्री के बच्चों के साथ आप रहोगे, आप उनके साथ पढ़ाई करोगे, तो इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अलुमनाइज की बात करें तो 51 कंट्रीज में इसके बच्चे आज प्लेस्ड हैं और जॉब कर रहे हैं। 17 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन, 17 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ इसका कोलैबोरेशन हो चुका है। 43 गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं। 220 एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ईच ईयर, 220 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो कॉलेज है सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं करता है, ऑब्वियसली थ्योरी भी पढ़ाई जाती है, अटेंडेंस कंपलसरी होता है, क्लासेज आपको लगानी पड़ती है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी कहीं से भी कंजूसी नहीं की जाती है। 100 इंडस्ट्रियल विजिट पर ईयर, हाँ ये इंडस्ट्रियल विजिट की बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था, इसी वीडियो में आपको एक वीडियो दिखेगा जिसमें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ये बता रहा है कि वो अभी तक एक साल में ही कितने इंडस्ट्रियल विजिट कर चुका है। इंडस्ट्रियल विजिट का क्या मतलब है, बच्चों को इंडस्ट्री में ले जाकर दिखाया जाता है कि इंडस्ट्रियल में काम कैसे हो रहा है। लाइक अगर कोई मैकेनिकल का लड़का है तो उसको मैकेनिकल की कंपनी में, मारुति सुजुकी में, होंडा में ले जाकर दिखाया जाएगा कि यहाँ पे काम कैसे होता है, पूरा वर्कशॉप, पूरा कंपनी का एनवायरमेंट दिखाया जाएगा। तो इंडस्ट्रियल विजिट, 100 इंडस्ट्रियल विजिट ईच ईयर, इवन मैंने किसी एनआईटी के बारे में, आईआईटी के बारे में नहीं सुना जहां पे इतने ज्यादा इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाते हैं। My name is Lance Anakaba. I'm from Sierra Leone. Presently, I'm doing my BTech in PCT College, Ludhiana, India. Actually, my experience for this college is very good. I'm doing CSE, Computer Science Engineering, right now. So my experience for this college is very nice, very good, because one thing is that in terms of lecturing, the teachers are very good in lecturing. They are teaching us very nice way. So I think without have any problem with that, we have good way of teaching. And also one thing is that the teachers, when you don't understand, you meet them or you meet anyone, he or she will explain to you very nice way. And one thing is that, and that in terms of practical, the laboratory, they very good, that the laboratory is very good. And also the lab equipment, everything is available there. You can perform your experiments on your own after the teacher have guide you how to perform the experiment. You can able to explain everything very nice way. And also
The industrial visit, yes. We go for industrial visit any week. We go there for any week. That gave me more experience. We see a lot of things that give me inspiration. And also, after every 2 weeks, we have presentation. The presentation really helps us so that we can able to have a mind to talk in the public everywhere we want to work. If the employee in any company, you're able to speak there very nice way. And also, when you came here, you have an international hostel. The international hostel is very good. We have Wi-Fi there. We have everything comfortable for us in the hostel. Also, if your financial is very good, you even live in the guest house. So the guest house is more precise than the hostel, so you can even live there. So for that reason, I'm saying that this college, the hostel, is very good. It's very good. Okay. 29 इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स इसको मिल चुके हैं, 125 डोमेस्टिक ट्रिप इच ईयर, ठीक है, डोमेस्टिक ट्रिप भी कराया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, एक फॉर्म मिलेगा या एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाना है और अप्लाई कर देना है, उस फॉर्म को भर देना है। उसके बाद हमारी तरफ से आपको कॉल जाएगा और आपका एडमिशन हमारी थ्रू हो जाएगा, करियर कैप्सूल के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं कॉलेज में, आपको कोई भी दिक्कत होता है, हम लोग कॉलेज में विजिट करते हैं, हमेशा आते जाते रहते हैं। अभी भी हमारे थ्रू वहां पे मोर देन 5 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 5 या 6 स्टूडेंट भेजा था। अभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, लोन लेने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, रूम चेंज करवाना है, वो हमें कॉल करते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिल सकता है अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो। आप डायरेक्ट जाके भी एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वहां पे डायरेक्ट भी जाते हो तो आप बताओ वहां पे जाके कि हम करियर कैप्सूल का वीडियो देख के आए। दैट्स इट। हमारे थ्रू जाने का ये मतलब नहीं कि हम आपसे कुछ पैसा चार्ज कर रहे हैं, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया, आप हमारा वीडियो देख के जा रहे हो, तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वहां पे कोई दिक्कत ना हो। तो मेक श्योर कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आप बता दो कि कैरियर कैप्सूल के थ्रू आप आए हो। वहां पे आपको एडमिशन लेने से पहले आपको पूरा कॉलेज दिखाया जाएगा, पूरा कॉलेज विजिट कर सकते हो, आप पूरे कॉलेज में जा सकते हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आप लोगों को फी स्ट्रक्चर नहीं बताया। फी स्ट्रक्चर बताना जरूरी है। तो फीस इसका काफी कम है, एक सेमेस्टर का 45,000 फीस है, एक सेमेस्टर का 45,000 फीस है, और एक साल का हॉस्टल फी मिला के 1,20,000 है। हॉस्टल फी मिलाकर 1,20,000 है इसका फीस, ठीक है। एक सेमेस्टर का 45,000 फीस है, दो सेमेस्टर का 90,000 हो गया, हॉस्टल फी मिलाकर, मतलब पूरा पैकेज है 1,20,000 का। तो प्लीज, आपको फी के बारे में, एडमिशन के बारे में कोई भी डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, यू कैन नोट डाउन माई नंबर। माई नंबर इज ऑल्सो गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। आप मेरा नंबर अभी भी नोट कर सकते हो, 821, एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके कभी भी इस कॉलेज के बारे में, अगर आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आप कॉल कर सकते हो, 8219044794, ठीक है, 8219044794। आपको कभी भी इस कॉलेज के बारे में कुछ भी पूछना है, ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हो, आप जब चाहो तो तब कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और इस कॉलेज में आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, हमारे पास से ही हो जाएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप अभी इस नंबर पे कॉल करो और अपना डॉक्यूमेंट भेजो, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। सीट देखो, किसी भी कॉलेज में अगर आप सही टाइम पे एडमिशन नहीं लेते हो तो सीट की प्रॉब्लम आती है, सीट फुल हो जाता है, ठीक है। अगर आप हमें अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हो तो आपका हम सीट कॉलेज में कंफर्म करवा देते हैं। और ये देखिए, फॉरेन कोलैबोरेशन की बात जो मैं कर रहा था, एक बार मैं वो चीज दिखा देता हूं फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अभी तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूं। यहां देखिए, फॉरेन कोलैबोरेशन की जो मैं बात कर रहा था, ये आप इसकी वेबसाइट पे आके देख सकते हैं, कोलैबोरेशन, फैकल्टी एक्सचेंज भी होता है, मतलब दूसरे कॉलेज के फैकल्टी को यहां बुलाया जाता है ताकि वो बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। तो फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसके अलावा कोलैबोरेशन है 17 फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ साथ, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट वीक,
स्टूडेंट एक्सचेंज, तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए इस कॉलेज में रखा गया है। ये फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे फैकल्टीज हैं जो इस कॉलेज में आते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हैव एक्टिव फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम वेयर फैकल्टी फ्रॉम अब्रॉड इन द पीसीटी आर एक्सचेंज टू डिलीवर लेक्चर एंड टेक फुल कोर्स विद द स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि किसी एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए बुलाया जाता है। ये जो आपको टीचर्स के नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे टीचर्स इस कॉलेज में आते हैं, आप देख सकते हैं, और बच्चों को पढ़ाते हैं। दे आर इंटरनेशनल टीचर्स। इन लास्ट टू एकेडमिक ईयर फॉलोइंग फॉरेन फैकल्टी विजिटेड पीसीटी टू टीच फुल कोर्स। प्रोफेसर नीक ये यूएसए से हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग के टीचर हैं, ये आकर बच्चों को पूरा कोर्स पढ़ाए थे। लास्ट टू ईयर का रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, ये टोटल कितने 13 स्टूडेंट हैं। और जो पीसीटी फैकल्टी विजिटेड आउटसाइड इंडिया टू टीच फुल कोर्स, ये पीसीटी के टीचर्स हैं जो दूसरे देशों में जाकर पढ़ाते हैं। हरप्रीत कांग मैम है, ये इन्होंने देखिए ये फ्रांस में जाकर इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। तो टीचर्स भी दूसरे देश में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो भी वहां सीख के आते हैं कि वहां के कॉलेज में कैसी पढ़ाई हो रही है, और उसी हिसाब से यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं। वहां के टीचर हर एक देश से, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस, डेनमार्क, ब्राजील, रसिया, मैक्सिको, इजिप्ट, इटली, रोमानिया, यूके, हर बहुत सारे कंट्री के टीचर्स आके यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। और इन सारे यूनिवर्सिटीज के साथ कॉलेज का ये एमओयू साइन है, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम इन सभी कॉलेज के साथ इनका चलता रहता है, ठीक है। और ब्रांचेस की बात करें तो इस कॉलेज में इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। शायद ये ऑटोमेशन एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग इस साल से हटाया जा रहा है, ठीक है, इसकी डिमांड कम है, इस कॉलेज में इसकी डिमांड कम है, ऐसे तो इस ब्रांच की डिमांड ज्यादा है, तो इसको हटाया जा रहा है। तो अब इस कॉलेज में सिविल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होगा, ठीक है। 60 बच्चे, 60 से एक भी ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। प्राइवेट कॉलेज में होता है कि जितने बच्चे आ गए वो सेक्शन ए सेक्शन बी बना के रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप एक एक करके खोल कर पूरा देख सकते हैं। बाकी आपको किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कॉल कीजिए, फी स्ट्रक्चर आपको हम बता देंगे। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फी स्ट्रक्चर पूरा डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में मैंने सफिशियंट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर आपको एडमिशन में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आपको फी स्ट्रक्चर जानना होगा, एडमिशन का प्रोसेस जानना होगा। तो इन सभी चीजों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, या नीचे जो फॉर्म दिया हुआ है, जो फॉर्म का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को भर सकते हैं।